गल करांगे हुण पंजाब दे मौसम दी। सो दस्सीए कि पंजाब दे विच मौसम ने अपना मिजाज बदलिया होया है। कई थावां ते मीह पै रहा है, बरसात हो रही है। अगले 48 घंटे की गल करदे आं तां उत्तरी भारत के कई सूबिआं दे विच मीह पै सकता है। सो ये पहलां ही मानसून विभाग ने चेतावनी दे दित्ती सी और जानकारी दित्ती सी, अलर्ट जारी कर दिता गया सी कि बरसात जिहड़ी है होण वाली है। अगले 48 घंटे की गल करदे आं तां उत्तरी भारत के कई सूबिआं दे विच मीह पै सकता है। हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ समेत कई सूबे मीह की चेतावनी है। सो हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इस तो इलावा यूपी, इस तो इलावा राजस्थान, सो हर पास कह सकते हैं बरसात जी है वह आएगी और यह चेतावनी दी गई है। पर खास तौर पर अगर नेले इलाके की गल करिए, उत्तरी भारत की गल करिए, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ समेत और कई सूबे ने जोड़े कि बरसात पैंती जिथे चेतावनी है। सो मौसम जिहड़ा सुहावना होया है, बरसात कई थावां ते पै रही है पंजाब दे विच और लोकां दे चेहरे खिड़े हुए ने। सीधे तौर पर जो किसानी की गल आउंदी है तां बरसात की गल आउंदी है, जो बरसात की गल आउंदी है तां किसानी की गल आउंदी है। और इस बार जिहड़ी बरसात है वह कारगर साबित हो रही है, चंगी है किसानां दे लई। सो अगले 48 घंटे दे विच उत्तरी भारत के कई सूबिआं दे विच मीह पै सकदा है। हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ समेत कई सूबों के मीह की चेतावनी है। तो पंजाब दे विच मौसम ने अपना मिजाज बदलिया। तो दस दईए कि काफ़ी ज़्यादा मौसम सुहावना है। अगर बीते दिन की गल करते हैं तो इसकी शुरुआत हो चुकी सी और बीते दिन भी कई थावां ते मीह पिया सी, पर ज़्यादातर कई थावां ते नज़र नहीं आया। पर अज की गल करिए अज बीती रात तो या चढ़दी सवेर तो कई थावां ते बरसात हो रही है, जिसके नाल मौसम सुहावना हुए और मौसम जिहड़ा है वह काफ़ी सुहावना नज़र आ रहा है। हर पास ठंडिया तेज़ हवावां चल रही ने, कुल मिला के कह लीए तो हुमस वाली गर्मी जिहड़ी है वह नज़र नहीं आ रही, बल्कि ठंडिया तेज़ हवावां दे नाल ठंडक ते राहत महसूस हो रही है। पर दस दईए कि इस दे नाल ही सब्जी के रेटों के भी वाधा हो सकता है जेकर लगातार इस तरह के नाल बरसात पैंती रहती है, क्योंकि काफ़ी बरसात होने के नाल सीधे तौर पर असर होंगे इन सब्जी के रेटा पर। उस तो इलावा यह भी जानकारी दे दईए कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाली है ये बरसात हर किसी पर। और सीधा चलते हैं मुकसर, मनप्रीत ने साढ़े पत्रकार साढ़े नाल मौजूद। मनप्रीत, जानना चाहवांगे सब तो पहला मुकसर का मौसम की कह रहे हैं। जी कुछ मैं दसना चाहना भी जो पिछले लंबे समय तो जी गर्मी पै रही थी, जी अज जी है बारिश ने जिला श्री मुकसर साहब के दस्तक दे दी है, जिदे है अद्धा पौना घंटे के करीब जी बारिश पई हैगी है, जिदे जिसे मैं थोड़ा कर सकता गलियां के पानी खड़ गया है, जिसे खेतों के पानी खड़ गया, इसके अलावा पिंडा घर भी पानी खड़ गया है, जिथे लोगों गर्मी जी है गर्मी तो राहत देगी, बारिश जी उ फसलों भी काफ़ी लाभबंद होगी। बिल्कुल, असं वेख पा रहे हैं अजे भी बदलों की गड़गड़ाहट मनप्रीत सुन पा रहे हैं, दर्शक भी सुन पा रहे हैं, क्योंकि अजे भी लगता है पूरा मौसम जोड़ा अपना रंग विखा हुआ नज़र आ रहा है, गलिया के पानी नज़र आ रहा है। पर उस तो इलावा समस्यावां भी जरूर नज़र आ रही ने, क्योंकि ये सीवरेज की प्रॉब्लम लग रही है। सो मानसून की कोई तैयारी नहीं है इतने प्रशासन की? हाँ जी बिल्कुल, जिहड़ा है मौसम अजे भी बरसात वाला बनया होया है, बेशक जिहड़ा है सवेरे सवेर वेले एकदम बदल छा गए, पूरा हनेरा छा गया सीगा, उस तो बाद इन्नी भारी बारिश शुरू हुई कि बारिश जो मैं तुम्हें दिखाया है कि गलियों के शहरों के पानी खड़ गया है, जेकर यह बारिश है जिन्नी जिन्नी पै रही है, जेकर बारिश इसी तरह पैंती रही तो शहर की स्थिति इस तरह की बन जूगी कि सीवरों के भी पानी खड़ जूगा, और जिसे पिंडा के पानी खड़ा है भर चुका है उस शहरों के भी समस्या बन सकती है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्यावां बहुत ने। इस तो इलावा एक बार जो तस्वीरां दी गल करिए तां किस तरह के नाल ये तस्वीरां जिहड़ियां ने नज़र आउणगियां, क्योंकि काफ़ी पानी जिहड़ा खड़ा नज़र आ रहा है और प्रशासन नूं वाकई इस दे पुख्ता प्रबंध करने चाहिए ने, क्योंकि लोगों दीआं बहुत ही मुश्किलां ने। इस तो इलावा अगर गल करिए कि कुछ होर प्रभाव पएगा इस बरसात का मनप्रीत, जो ये बरसात अगले 48 घंटे दे विच होर भी लगातार पै सकती है, मौसम विभाग की चेतावनी है। जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने दसाया गया भी 48 घंटे के जी होर भी बारिश हो सकती हैगी है, जिसनों लैके जेकर इन्नी बारिश ना तो फसलों लाभ हो सकता, पर जेकर बारिश होती हैगी है तो जोड़ा करना नहीं है
ਜਿਹੜਾ ਉੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੇਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਡਰੇਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ बिल्कुल ये बहुत सारिया समस्यावां जिथे राहत हुंदी है तां उत्थे समस्यावां भी हैगियां ने। बहुत बहुत शुक्रिया मनप्रीत जुड़न दे लई और तमाम गलबात दे लई। बिल्कुल गुरजोत, देखा जाए तो मानसून जड़ा पहले आ गया है तो बरसात जड़ी है शुरू हो चुकी है। कल भी पंजाब के कई जिले के विच जड़ी है बरसात हुई सी, काफ़ी तेज़ बरसात भी हुई सी। जे बारिश अज गल करिए फिरोजपुर के विच भी हो रही है। मेरे पिछे तुसी तस्वीर भी देख सकते हो कि जड़ी बारिश जड़ी है वह हो रही है। इस वेले मौसम जड़ा है वह सुहाना हो चुका है क्योंकि किसानों के चेहरे भी खिले हुए ने क्योंकि झोने का सीजन है, झोना उन्होंने लगा लिया है तो पानी उन्होंने काफ़ी चाहिए होंगे, इस करके जिहड़ा वा किसानां दे चेहरे खिले हुए ने। दूजे पासे लोकां नूं गर्मी तो राहत मिली है क्योंकि गुरजोत लगातार गर्मी वध रही हैगी सी। फिरोजपुर की गल करिए फिरोजपुर के विच भी काफ़ी गर्मी हैगी सी, लोकां नूं हुण राहत मिलती हुई दिखाई दे रही हैगी है। तो अज सवेर तो ही जिहड़ी है बारिश हो रही है, हालांकि फिरोजपुर के कई इलाकों के जिहड़ी तेज़ बारिश हुई है पर जे गल करिए फिरोजपुर शहर की तो इत्थे जिहड़ी है बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश जिहड़ी है वो हो रही है। सर जानना चाहांगे बरसात जिहड़ी है वो कई बार अजिही भी हुंदी है जिस दे विच होर हुमस पैदा हो जाती है और एक गर्मी जी महसूस हुंदी है कि उस तरह की बारिश लग रही है, मानसून जिहड़ा है दस्तक दे चुके है, राहत महसूस हो रही है। बिल्कुल गुरजोत, देखा जाए तो मानसून जरा दस्तक दे चुका है, ये जी बारिश पै रही हैगी है ये हले हुमस वाली बारिश नहीं हैगी, हवा जी ठंडी चल रही हैगी है, लोगों गर्मी तो राहत दिती हैगी है क्योंकि लगातार जरा गर्मी का टैंपरेचर है वह वध रहा है तो लोगों एक वही राहत जी इस बारिश के नाल मिली हैगी है क्योंकि लगातार सवेर तो ही जी है बारिश हो रही है तो हूँ मौसम जरा वह सुहाना हो चुका है, ठंडी हवा भी चल रही हैगी है जिंदे नाल गर्मी तो जिहड़ी है लोकां नूं राहत मिली है। जी गुरजोत, सुसनी अखिरला सवाल हैगा जिथे किसानी ते चंगा असर पैण वाला है पर उत्थे मैं सब्जियां दी गल करांगी क्योंकि सब्जियां जिहड़ियां ने उहनां ते रेटां ते किन्ना का असर पएगा, चंगा पएगा कि माड़ा पएगा, कि अंदाजा लगा सकदे हो? बिल्कुल गुरजोत, देखा जाए तो जो ज़्यादा बारिश होंगी है तो सब्जियां ते असर पैंदा हैगा, जे लगातार बारिश होंगी है तो सब्जियां ते असर पएगा क्योंकि सब्जियां जड़ियां वो खराब हो जांदियां तो इस करके जड़े सब्जियां खराब होंदियां तो मार्केट के विच घट आंदियां तो उन्होंने रेट भी जड़े है वो वध जांदे हैगे है। इस करके जड़ा बारिश हैगी है जे ज़्यादा होगी तो सब्जियां ते जरूर असर पाऊगी तो रेट भी जड़े उन्दे वधणगे। हालांकि जड़ा झोने जिन्होंने लाया होया किसानां ने उन्हां वास्ते जड़ी बारिश है वो बड़ी वधिया है क्योंकि पानी झोने नूं जिहड़ा काफ़ी चाहिए होंदा है तो इस करके उन्होंने जिहड़े चेहरे है वह खिले हुए ने, दूजे पासे आम लोगों के जिहड़े चेहरे है वह खिले हुए है क्योंकि उन्होंने गर्मी तो राहत मिली हैगी है। जी जी गुरजोत, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है सनी।